मोटोरोला ने लॉन्च किया एक और स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए सीधे चलते हैं डिजिटल गली। सैमसंग ने भारत में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का टेलीविजन लॉन्च किया। इस माइक्रो एलईडी टीवी की स्क्रीन 110 इंच की है। वहीं इस अल्ट्रा प्रीमियम टीवी की सही कीमत 1,14,99,000 रुपए है और इसे कुछ ही स्टोर से खरीदा जा सकता है। इस तरह से कहें तो इस टीवी की कीमत में मिडिल क्लास के मकान और कार समेत जिंदगी भर के कई सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन सैमसंग ने ये टीवी ग्राहकों के कुछ खास वर्ग को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है। अब तक इसे दक्षिण कोरिया समेत कुछ खास बाजारों में ही लाया गया था। दावा है कि इसका साउंड सिनेमा हॉल जैसा माहौल पैदा करती है। टेक्नोलॉजी समेत फॉक्सकॉन कर्नाटक में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए उसने राज्य सरकार के साथ एक करार किया। इस निवेश के बाद वहां स्मार्टफोन उपकरण और सेमीकंडक्टर से जुड़ी चीजें तैयार की जाएंगी। माना जा रहा है कि इस करार से कर्नाटक में 13,000 नौकरियां पैदा होंगी। मोटोरोला ने भारतीय बाजार में कम बजट वाला स्मार्टफोन मोटो जी 14 लॉन्च कर दिया। इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 20 वॉट का टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन को एक बार फुल चार्ज करने पर यूजर को 34 घंटे का टॉक टाइम पावर बैकअप मिलेगा। इसे सिंगल वेरियंट में पेश किया गया है। इसकी कीमत 9,999 है। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये फोन 8 अगस्त से मिलने लगेगा।